क्यों रही? ये बता, तू मेरी अर्गनी पर कपड़े क्यों सुखा रही है? जब तेरा कन्ना खाना अलग है तो तू मेरे घर में मतलब मेरी अर्गनी पर कपड़े क्यों सुखा रही है? अपने अलग ले के और बांध ले। छत तो एक ही है ना। छत्ते एक से क्या मतलब है? अरे क्यों, कपड़े तो अलग अलग सूखते हैं ना, कपड़े तो अलग अलग ही पहनते हैं सब। अरे तो अलग अलग पहनते सुखाते भी तो हैं। सुखाने वुकाने की कोई बात नहीं है, मेरी अर्गनी पे कपड़े नहीं डालेगी, साफ सीधी बात है, सुन ले। हाँ, इन इस अर्गनी पे तुम्हारा नाम लिख रहा है। नहीं लिखा है तो लिख दूंगी, बता अगर तुझे ये तेरी गलत फहमी दूर करूं तो। अरे तो तुम मेरी पे डाल लेना ना। क्यों डालूं मैं तेरी पे, जब मेरी इतनी लंबी चौड़ी अर्गनी है तो मैं क्यों डालूं तेरी पे? अपना कन्ना खाना हमने अलग कर लिया, ठीक है? ऐसा है दीदी, मेरी अर्गनी भर गई है तो जी दो चार कपड़े रह गए थे तो मैंने सोचा भर गई है तो छत पे नीचे पटक ले। मेरी अर्गनी है गंदे नहीं होंगे वो? अब मुझे इस बात से क्या मतलब है गंदे हो ना हो। अच्छा सही कह रहे हो दीदी, यानी मेरे धोए धोए कपड़े मैं अपने गंदे कर लूं जमीन पर डाल। ये धोने से पहले सोचनी थी तुझे और सुखाने से पहले। अच्छा ऐसी बात है, अजय ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुम्हें कभी जरूरत तो पड़ेगी नहीं। जरूरत पड़ेगी लेकिन तेरे कामों से मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरी अर्गनी पे या तेरे सामानों से मैं वो नहीं करूंगी। वैसे दीदी एक बात बताऊं, अपने ही काम में आते हैं, कोई पराया काम में नहीं आ जाता। अरे अपने तो आते नहीं है, एक बार को पराये काम आ जाते हैं। हाँ ये तुम गलत कह रहे हो, समय समय पे अपने ही तो ठोकर मार के चले जाते हैं। हाँ जाते होंगे लेकिन पांच उंगलियां एक से नहीं होती है, हर एक कोई एक जैसा नहीं होता है दीदी, ये वाली बात मत करो। तुम मुझसे जवान ना लड़ा, ठीक है? जितना कह रही हूँ उतना कर ले जाके। हाँ और मेरे वो क्या कहते हैं, मेरे हिस्से में तू बर्तन मत साफ करा कर, तुम्हारे हिस्से में साफ करा कर। अरे मैंने कब बर्तन साफ करा? हाँ, तुम्हारे हिस्से में जब देखो मेरे साबुन और मेरे सरफ साबुन को घिसती रहेगी। तेरा हाँ, आदमी लाके ना देता कुछ? हाँ हाँ तो हम तो नंगे भूखे है ना, वो ही है तू, पैदा नहीं है वो ही है। हाँ सही कह रहे हो, तू लड़वा लो बस, बड़ों से जवान लड़वा लो, इस पे तो बस ये आता, तेरी अम्मा पापा ने यही सिखाया तुझे। मैं लड़का नहीं हूँ, तू बड़ी ना, तू हम छोटे तू बड़ी है, बस कह दो तो बस यही हो जाता है, तू बड़ी है हम छोटे हैं। कभी तो छतों को झाड़ती भी है, मैं रोज झाड़ती हूँ ये बता। कभी आए दिन कभी तूने ये सोची के ला सफाई कर दूं छत की? ये पूरी छत को ना मैं झाड़ती हूँ। हाँ। अच्छा चुप कर ले, तो तुम नीचे रहने दे, रहने दे, रहने दो, कोई सुन लेगा कहीं ऐसा ना हो किसी सुन लिया तो तेरे काम के बारे में पता लग जाएगी। हाँ सही कह रहे हो, तुम्हें एक अच्छे हो ना, तुम चारों घर की सफाई करती हो, तुम्हें छत की करके आती हो, ये जो आंगन पड़ा रहता है उसे पे तो तुम्हें झाड़ू नहीं मैं लगता। करती हूँ तभी तो। हाँ, मैं करती हूँ तभी तो कह रही हूँ, ठीक है ना? मुझसे जवान ना लड़ा था दीदी, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है क्योंकि तुम अपनी क्या किसी की चलन देती तो है नहीं हो, तो क्यों कर रही है? पड़ोसन है उसकी भी तुम चलन नहीं देती हो, तो इससे अच्छा तुमसे बहस करना ही बेकार है, इसलिए मैं तो जा रही हूँ, तुम अपनी दीवारों से मूड मारो, ठीक है? तुम्हें वो तुम्हारी बात नहीं सुन रही, मेरी अर्गनी पर कपड़े मत सुखाया कर, बता रही हूँ तुझे। अजी सुनते हो? अरे कहाँ गए? अरे कैसे आना हुआ तेरा? कैसे आना हुआ? हाँ। क्यों तुमसे बात करने भी नहीं आऊँ मैं? आ जा, मैं मना कर रहा हूँ, मैं दूसरे के घर जाऊँ मैं? अरे मैं तो जा मार कह रहा हूँ, गर्मी पड़ रही है दोपहर में, आई है तू इधर? आना पड़ा मुझे। ये बताओ ये छत क्या बट गई है? छत तो नहीं, तो ये जो कपड़े सुखाने वाली अर्गनी के बट गई है, मतलब है कागज तो है क्या गया? ये था सारे कपड़े तो मैंने अर्गनी पे डाल दिए। अच्छा। जो दो चार कपड़े रह गए थे वो मैं दीदी के अर्गनी पे डाल ली थी। अच्छा। तो ये कह रही है कि मेरी अर्गनी पे तूने कपड़े क्यों डाले है? अच्छा। ये मेरी अर्गनी है, ये तैने बांध दी है, मुझे वाली बात तो भैया और कुछ कहेंगे, ठीक है? लेकिन अभी भैया थे भैया न्याय साझे तुम खाली घर को तो ही हुआ जे थोड़ा वो कहेगा बाहर खेत को ले घर को ले खाली न्यारा हमारी तो कर दिया कोई हिस्सा बराबर तो हिस्सा कौन सा हुआ हिस्सा हुआ ही ना तो फिर वो कैसे कह सकती है दीदी हमसे भैया ना चक्कर तो बढ़िया था बढ़िया था भैया का मुँह लगा वो अरे तो कपड़े में कहाँ डालूंगी फिर ये भी तो उन्हें देखना चाहिए कपड़ों के चक्कर में आई है तो दोपहर में तो और किस लिए कपड़े नहीं डालें दे दी है तो मैं कहाँ डालूँ अच्छी चल तो कोई बात ना फिर तू जाएगा या फिर मैं उनसे कह दूंगा भैया बात करना तुम बस हमें जब करना है तो फिर हिस्सा या तो फिर हमें बंटवारा करो हाँ तो फिर ऐसा कह दूंगा इससे कर दो बिल्कुल बात कर दूँ अब बात करना ठीक है ठीक है ठीक है जा रही हूँ जा अरे कहाँ पे हो जी तेरी मंद मंद मस्कनिया पे मैं कर रही हूँ तुमने बंटवारा करा है? किस चीज का बंटवारा करा है तुमने क्या बांटा है हमें तो पता ही नहीं है तुमने बंटवारा मैंने तो ऐसे कर दिया मैंने कि तू चूल्हा अलग कर लो अपना खाना अपना करना मैंने बस इस बात का बंटवारा किया था और बंटवारा बस इस बात का किया था भैंस कोई अलग करी नहीं बकरिया भकरिया अलग करी नहीं अभी मैंने कि जब दूध आ रहा तो सबका आधा आधा कर लो दोनों मिलकर करो दोनों करो अरे मैं इस बात के लिए कह रही हूँ कि कम से कम
बंटवारा कर रहे हो तो फिर पूरी तरीके से करो, ये आधा अधूरा बंटवारा मत करो। तू बता कैसे करना। मैं ये चाह रही हूँ कि बिल्कुल बंटवारा हो तो हमारे हिस्से में जो वो हमारे हिस्से में आए। अब मेरी बात सुन। हाँ। तू अभी बंटवारा करेगी आएगी बात मालूम काय का जमीन दो चीज बढ़त दो चीज बढ़त में से भी आधा आधा चीज बढ़त तो मैं ना देने क्यों रहा। ऐसे कैसे आधा आधा हो जाएगा। तू पांच पंच बुला लिए अभी उसने तो बता किस मौसे कहेगी फिर ना मुझे बता दे किसी बात पे। वो तो बात सही है लेकिन मैं इसीलिए तो मैंने अरे हम तो ये कह रहे हैं पंच पंच बिठाने की जरूरत ही क्या है। अरे हम नहीं बिठाएंगे समाज बिठा देगा। एक मिनट में अगर इसने किसी से कह दी तो मेरी चीज बर्त नहीं दी मेरे हिस्से का सामान नहीं दिया तो राजी राजी गैर राजी देना पड़ेगा हमें सुन ले। कैसी बातें कर रहे हो तो बता। एक बात बताओ ये हमारे सबके वो खाना पीना अलग रहना रहे भले ही एक घर में रहे हो लेकिन करना खाना तो अलग अलग है। बिल्कुल है कि नहीं। मैं भैया देखो मेरी अर्घनी पे भी मैं आपसे कपड़े नहीं सुखाने दूंगी साफ सीधी बात है। मैं तो कह रही हूँ छत कि मैं अपने छत की और इसकी बात हो ही नहीं रही। बात हो रही है चीज बर्त और जमीन की। हाँ तो वही चीज तो मैं कह रही हूँ हर चीज में से बंटवारा होना चाहिए तो कोई चीज तो मैं देने की नहीं हूँ। भाई मैं पहले इस घर में आई हूँ। अच्छा तू कह ले कभी बात। और फिर दूसरी बात क्या है मैं पहले आई हूँ तो चीज मेरी होनी चाहिए। मैं बड़ी हूँ इस घर में और खेत की बात है तो खेत में से अगर बंटवारा करना चाह रहे हो तो कर दो। उसके हिस्से में कितना आ रहा होगा जैसे बराबर आएगा। भैया हमने उसकी शादी में काफी पैसा लगाया उसका भी तो हमें चाहिए। अब तू सुन ले मेरी। तूने तो अपनी कह लिया मेरी सुन। बात कुछ ऐसी है देख चीज बढ़ तो जो डुगरिया वाली भाई तू अपने घर से लाई थी उसमें से तो वो मांगेगी नहीं क्योंकि वो अपने घर से लाई उसकी उसके पास है। लेकिन जो डुगरिया वाली चीज है वो पूरी तरह से आधी आधी करनी पड़ेगी सुन ले। उसके बाद जो जमीन है हम पे एक सड़क पर खेत है जिसकी कीमत है 10 लाख रुपए बीघा और एक है हमारी खेत पर लीपार जिसकी कीमत है 2 लाख रुपए बीघा तो वो यूँ कहेगा आधी इसमें से दो और आधी दो उसमें से। सुन नहीं है 10 लाख रुपए वाले में से लेगा और उसमें से मकान में खींचेगी बाउंड्री बीच में। अब सुन ले अगर तू उसे पल्ली वाली साइड देती है तो जीना उस पर नहीं आएगा उस पर लेटरिन करने की जगह और क्या कहते हैं किचन और बाथरूम आ जाएंगे। सुन लियो जीना तेरी तरफ आ जाएगा और तू जीने वाली अगर उसको देती है तो ये समझ ले क्या कहते हैं फिर तू जीना वो लैट्रिन बाथरूम किचन भूल जा क्योंकि माँ बाप ने इस तरीके से नहीं बनाया इस मकान को हम आधा आधा कर सकते। देखो मैं तो ये चाह रही हूँ कि इसमें से बीच में से दीवार लगा दो बीच में ठीक है बीच में दीवार लगा सोच लियो टट्टी पे आपको परेशान हो जाएगी। अरे सुन तो लो वो उधर वाला गेट उसका इधर वाला गेट हमारा गेट उखड़वाने की भी जरूरत नहीं है। उधर वाला गेट का एक ही गेट है आधा पल्ला तेरी तरफ आधा पल्ला उसकी तरफ वही चीज तो मैं तुमसे कह रही हूँ। चल तो ठीक है मगर दीवार लगवा दो। साइड कौन सी लेगी जीने वाली या लेटरिंग बाथरूम किचन वाली। मुझे लेटरिंग बाथरूम किचन वो वाली चाहिए। तो कपड़े गाय पे सुखाएगी जीना तो उस पे गया कोई बात नहीं हम लोहे का जीना लगवा लेंगे। कैसी बातें कर रही हूँ आजकल तो मॉल के इतने आ जाते हैं। ठीक है तो ऐसा कर रहा हूँ मैं तो कह रही हूँ जीने वाली ठीक है तो अब तो मुझे कर लेंगे काम। हाँ ठीक है मैं शाम को ईंट सहित आ रहा हूँ घर पे और संग की संग मिस्त्री से कह दूंगा सवेरे आएगा बाउंड्री तान जाएगा। हाँ बिल्कुल गारे की बिल्कुल आधे पैसे उससे ले लूंगी ले लेना उससे। हाँ और क्या फिर मैं ले लूंगी 4 इंची के पैसे मैं दे दूंगा 4 इंची के बजाय 9 इंची की दीवार 9 इंच की दीवार लगवा लो क्योंकि उसकी लुगाई सही नहीं है। अब तू बात कर ली उसकी लुगाई से जो बता अगर तुझे न्यारा होना और दीवार खिंचेगी इस घर में आधे पैसे दे तो करूंगी न्यारा नहीं तो काई में से कुछ ना दूंगी। तू उसे धमका के काम करियो ना मैं कह दूं उसे तुम अपने घर में से निकल जाओ केयर कर ले लो। हां तू जा मैं तो अपने घर में काम कराऊं। ठीक है बस तो थोड़ी स्ट्रिक्ट। अरे यार तू चिंता ना करो मैं तुम्हारे बैठ जाइयो उसके ऊपर ज्यादा कोई बकवास करे तो। अरे भैया भैया रामचंद्र कह गए सिया राम राम भैया राम राम। अरे मैं कुछ काम से आयो बता। मैं जा काम से आयो का कहते हैं अगर मेरा हिस्सा जो समझ ना आयो है? हाँ जो तुमने न्यारा करोगा वो समझ नहीं आया। समझ में क्यों नहीं आया तेरे समझ में दिमाग कम है तुझमें काय कुछ दिमाग कम समझ पर? में क्यों नहीं आया बताओ क्या करना है। देखो भाभी हैं तो वो घर में बात तुम्हें लड़ाई करवा दें। अच्छा। ये रात तुम्हारी छत पर रस्सी बंध रही है और बाप हमने कहा कि कपड़ा टांग दे जब खाली पड़ी है तो तुम बांध लो अपना एक रस्सा। रस्सी हमारी तो गिर रही हुई है चक्कर में गिर रही तो नहीं लिया बाजार कर टूट गए बाजार बंद हो गए मुझे ज्ञान देने आया है। मैं ज्ञान न दे भी आओ तो मेरी बाबू कह रही है इतने आ रहे कर दो तो न्यारा तो तू है भैया चूल्हे तो अलग अलग रखेंगे हमारे तो वो चूल्हे अलग रखे तो ये अगर जो जमीन वगैरह वहाँ तो आता तो कर लो भाई। अच्छा तो हिस्सा देने आया है कर दो भाई तो ऐसा मैं आऊँगा सांझ को घर। अच्छा सांझ को नहीं आऊँगा तो सवेरे आऊँगा क्योंकि मुझे रात भर रखनी है निगरानी क्योंकि शुगर घुस जाती है। शाम में आऊंगा सवेरे घर। अच्छा तू क्या कहते हैं बैठ के बात कर लेंगे। बैठ के बात ना कर दिए तुमने यार मेरे को अलग बैठ के बात कर लेंगे जब मैं मना कर रहा हूँ जो तेरे हिस्से में बोली ली जा बात कर ठीक है। हिस्सा चाहिए
रागनी रागनी। हाँ। अरे मैं भैया तो बात करी आओ। क्या बात मैं... ऐसा ही और काई बात को। हाँ तो क्या कह रहे थे? मैं ये कर गावेंगी अगर वो कह रहे हैं तो आप तो बता दो ऐसा मैं का लूँ बता का कौन सी भैंस लगी है तू कौन सी भेड़ लगी है फिर बकरी लगी जो ले सो बता दो तुम आएगा। देखो हमें तो भैंस लेनी है। अच्छा है ना और ऊपर का तो कमरा लेना नहीं है। अच्छा क्योंकि ऊपर के में देखो धूप भी आ जाती है तो गर्मी लगती है वो तो बीच में तो ऐसा होगा मकान में तो भैया तो नौकर है का जो मकान है का हमारा मतलब जो बना हुआ उस तरीके से उसमें बीच में तो दीवार लगाएंगे 9 इंची की बीच में हाँ 4 इंची उनकी तरफ 4 इंची हमारी तरफ और एक पल्ला उनकी तरफ एक पल्ला हमारी तरफ गेट को। तो फिर इसमें न्यारा किस बात का हिस्सा है ऐसे तो और जो है? अपनी जमीन वगैरह बांधते जो अपने मैंने कहा आधी बाँव से लिए जो रोड पे है और आधी जो अपनी बाँव से लिए गेट मतलब आधा पल्ला वो खोले करेंगे आधा हम खोले करेंगे। अरे तो एक बात बताओ कि एक पल्ला में तो कोई गेट लगता है उसमें जगह रह जाती है तो बिल्ली कुत्ता वाल घुस गया वो बात सही करवा लेंगे वो कुंदा लगवा दूंगा मैं कब है। अरे ये कैसा हिस्सा हुआ हिस्सा ऐसा थोड़ी ना होता है कि आई के उसमें से दीवार लगा दी कि हिस्सा हो गया ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे आधा तू ले ये चीज अगर जिस चीज में अगर चीज बता तो उसमें से आधी हमारी आधी वो तो है ये आधी आधी तो फिर क्या है इसमें ये तो? लेकिन तू मकान की तो कह रही है कुल मिला के जी है। हाँ तो मैं उन तो भैया से बात कर लूंगा और बता और जो भी हमारी जो बड़ी बूढ़ी की जो चीज है हमारी चीज की तो उसमें से आधी चाहिए मुझे। हाँ तो भाई मैं तो कहता रहूँ मैं और जो खेत पड़े हैं अभी का उसमें से भी आधी हमें भैया कहता रहूँ मैं कह दी। हाँ कह दी मैंने उनसे तुमने मुझे ये तो बताया ही नहीं है मेरा भी क्या बताया तुम्हें पूछ रहे थे मैंने कि आधी जमीन तो जामे तो मिलेगी क्या कहते हैं खेतन में आएगा जो हमारी इधर रहेगा टूवेल के पास में और आधी जो रोड पे आ रही ना हाईवे की साइड में वो मिलेगी आधी जो अनाज है अनाज भी आधा आधा होगा अबकी बार को। ठीक है तो फिर मंजूर ये जो अबकी बार करो वही आधा आधा होगा वहाँ का बात है। हाँ तो बिक के जो आधे आधे पैसा कर लेंगे बात खत्म। ठीक है जा और जैसे भी होगी तो मैं भैया मकान की बात कर लूँगा। ठीक है जा। अरे कहाँ है सुनाई ना देता ऐसे। हाँ दीदी मैं ये कह रही हूँ ऐसा है अब कैसे चाह रही है तू बंटवारा ये बता। कैसे चाह रही हूँ? हाँ क्यों तुम्हें नहीं पता कैसा होता है बंटवारा? हमें तो पता है लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि देख मैं इसमें जो दीवार लगेगी अब। दीवार क्यों लगेगी? दीवार इसलिए लगेगी क्योंकि अपना बिल्कुल अलग अलग दो एक गेट के दो गेट हो जाएंगे उधर का तेरा इधर का मेरा बस। हाँ तो ये क्या बात हुई एक गेट की और लेटरिंग बाथरूम किचन वो हिस्सा मेरी तरफ आएगा और जीना वाला हिस्सा तेरी तरफ आ रहा है। क्यों आएगा मैं तो वो वाला हिस्सा लूंगी ना। कौन सा? नीचे वाला। बिल्कुल नहीं तुम जाओ घेर पे रह लो। अच्छा क्यों रह ले घेर पे? तुम रह लो घेर पे। तू अपने आदमी से कह दे घेर पे रह लेगा वो तुझे लेके। क्यों रहे? मैं ना दूंगी भैया इस घर में। मैं इस घर में पहले शादी होके आई थी। अच्छा ठीक है तो यानी हम बाद में आए तो हिस्सा मैं तुझसे बड़ी हूँ तू मुझसे छोटी है। मैं हर बात कहूंगी वो तुझे माननी भी पड़ेगी। हाँ तो मानता रही हूँ ना तो आधा बंटवारा करवा दो बस। कौन सा बंटवारा? क्यों हर चीज में से जो सोना चांदी है हर चीज में से आधा चाहिए। आए हाय देखो तो सही हर चीज में से बंटवारा मांग रही है। और क्या अभी तो घर में से हो रहा है तो घर में से कर ले और जब बाद की बात देखी जाएगी। ठीक है वो तो बाद के काम है काय वैसे चीज बत में से होगा भी या नहीं भी होगा वो तो आगे क्या काम है। क्यों होगा तुम ही रखोगे सारी चीजें? मेरी चीज मेरी सास की चीज तो मैं ना रखूंगी। अच्छा हमारी तो कुछ भी नहीं है तुम्हारी सास है बिल्कुल हमारी तो वो दुश्मन है। मैं तो ये कह रही हूँ चाहे दुश्मन हो या ना हो लेकिन पहले तो मैं आई इस घर में शादी हो गई बड़ी मैं हूँ सास की सेवा करी किसने मैंने तूने तो करी नहीं। बेटे ये एक बराबर होते हैं तो किस चीज का तो आधा हिस्सा उनका भी आधा हिस्सा तुम्हारा भी। ठीक है ये नहीं है कि तुम ज्यादा लो वो कम ले ऐसा कैसा चलेगा। मैं तो तुझसे ये कह रही हूँ कि जितना तुझसे कह रही हूँ उतना कर तू। ठीक है अब बता दे दीवार और हाँ पैसे दिबा दियो उस पैसे अपने आदमी पैसे। किस बात के पैसे? वो क्या कहते हैं दीवार लगेगी तो पैसे ना चाहिए। अरे हम क्यों दें पैसे? दीवार तुम खिंचवा रहे हो हैं ऊंची दीवार तुम करवाओगे हम थोड़ी ना करवा रहे तो पैसे तुम दो फिर। हम तो पैसे चाह रहे हैं या तो ऊपर का मैं लूंगी या नीचे का तुम लो। दीवार क्यों खिंचवा रहे हो? ऊपर नीचे ऐसे कहीं ना हवेली बना के गए हमारे ससुर हमारे लिए जो ऊपर नीचे का बंटवारा करके गए हैं वो। कुछ ना करके बनाया पैसे दिलवा दिए उससे कह दिए उससे। अरे मैं क्यों पैसे दिलवाऊं? तो फिर एक काम करो अपने कपड़े लत्ते बांधो और घेर पे रहना जाओ। तुम लेके रहो घेर पे मैं क्यों रहने लगी? मैं क्या करूं अपने आदमी को लेके घेर पे तो भाई? मैं क्यों रहने लगी? मेरे आदमी ने इसमें क्या मकान में पैसा लगाया तो... और फिर दूसरी बात
तेरा आदमी पैसा खर्च रही है। मेरा आदमी तो ठलुआ है ना, जब कुछ नहीं करते हैं। ठलुआ ही है, जब तो फैमिली कह रहे हो। तुम्हारे आदमी होंगे, मेरे आदमी थोड़ी ना है। बड़ा है तुझसे जेठ है तेरा, तमीज में बोल ले। फिर तुम बात ही क्यों कह रही हो, मेरा आदमी नहीं है जो तुम उनके बारे में। तेरा आदमी से बात करूंगी, ठीक है ना, तू निकल जा। अब जाए कर लेना तुम। हाँ वही उनसे बात करूंगी, जितनी चांद पे चढ़ा रखी है तू, है ना, चार दिन की आई हमसे जवान लड़ा रही है। अरे कहाँ गई भगवान, सुनती नहीं है क्या? हाँ बोलो। आ गई, बड़ी जल्दी आ गई, उड़ के आ गई। ऐसे कहीं मैं विदेश में ना ही उड़ के आ गई। तो फिर बताओ क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, फिर क्या बात करी तूने उससे? कुछ बात ना करी, वो तो हमारे ऊपर ऐसे अम्मा बन के और आ रही है। मुझसे कह रही है मैं पैसे नहीं दूंगी दीवार खिंचवाने के लिए, पहले सुन लो। खिंचवानी देगी भाई? हाँ। और देखो जी, मैं तो साफ सीधी बात जानती हूँ, कहीं से भी कुछ भी करो, ये सब कुछ मेरा होना चाहिए बस। अब तू सुन ली तरफ, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है कि ना तो ये न्यारे होंगे और न्यारे भी हो जाएंगे, चूल्हे अलग रहेंगे, और सुन पैसा पूरा तेरे हाथ में रहेगा, मेरे ऊपर छोड़ दे। देखो मैं ऐसा ही चाह रही हूँ, ये पूरी प्रॉपर्टी, पूरा खेत वेत सब मेरे नाम हो जाए। बहुत लालची औरत है, पर कोई बात नहीं, है तू मेरी, लेकिन कुल मिला के अब तू मेरे ऊपर छोड़ दे। मैं ऐसी तिगड़म घुलाऊंगा कि इन लोगों को ऐसी धूल चटाऊंगा जमीन की कि ना तो इन्हें एक रुपया दूंगा, सब तेरा कर दूंगा। अच्छा, पैसा जेवर जमीन जायदाद सब तेरे और मेरे नाम रहेगा, और किसी के। तुम्हारा भैया अभी ये सगा ये देख लेना, कोई भी सही सगे ना भैया, खून तो मैं तेरा भी चूस जाऊं। अगर तू अगर वक्त पड़े पे मुझसे बिगाड़े तो तुझे भी मारने में एक मिनट नहीं मुझे समय। अरे ओ, मैं बीवी हूँ, ठीक है? हाँ, मैं जीवन भर साथ निभाऊंगी, वो तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारेंगे। पिछवाड़े पे तो औरत भी लात मार जाती है, मैंने अच्छी अच्छी निमंग औरत देखी है, चाहे जब सात सात बच्चे हो तो अभी अपने आदमियों को छोड़ के चली गई, तो तेरे पास तो अभी कुछ है भी नहीं है। तू मुझे कल लोगों ने एक दिन धक्का से मार के गई तो मैं क्या करूँगा किसी। अरे आदमी पागल है क्या? तो नाम तेरे कुछ नहीं होगा, पर हाँ मालकिन तुझे बना के रखूंगा। अरे नाम भी होगा नहीं, मालकिन बन जाऊंगी। चाबी का गुच्छा रहेगा तेरे पास, लेकिन कागज मेरे नाम रहेंगे सब। और क्या, बिना किसी और का, बस नाम से हो गया। और क्या, मालकिन बन के रहेगी, राज कर। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे नाम कराना। ना ना तू चल, मैं बात करूंगा पहले, सोच। अरे ये आदमी तो कुछ ज्यादा ही तेज है। मुन्ना मुन्ना, अरे भैया राम राम। राम राम, अब बता। अरे तू मेरे पास नहीं आया था? हाँ, मैं तू आया था कि बंटवारे बंटवारे की कोई बात लेके? हाँ। अब बता कैसे कैसे क्या करे? देख लुगाई उनकी बात मुझे तो समझ में आती नहीं, तो ना तो मैं लुगाई से बात कर रहा, मैं आया हूँ तुझसे सीधी बात करनी। तू बता, सही बात है? देखो हम भैया बहन के बीच में ना लड़ाई हो तो बढ़िया बात है। अब तू बता प्रेम से क्या चाहता है? मैं क्या चाहूँ, मैं तो हिस्सा ही करो। अब तू मेरी बात सुन ध्यान से। देख ऐसा है, चक्कर ये है, क्या कहते हैं, ट्रैक्टर की अभी किस्त। अच्छा, तुझे भी पता है, देख साझे में लिए चीज तो किस्त तो हम दोनों को सुननी पड़ेगी, तो जमीन में से हिसाब किताब नहीं बन पा रहा है, अभी आधा करने का। अच्छा, मान ले आधी इसमें से या आधी उसमें से, तो हिसाब बन नहीं पा रहा है, फिर किस्त में हमारी में हुआ ड्रामा। मैं तुझसे लड़ू, तू मुझसे लड़े, अच्छा लगेगा? सही बात, नहीं अच्छा लगेगा ना समाज में, फालतू में चांद फूटे हमारी। तो इससे बढ़िया ये कि एक साल तक अभी इसका हिस्सा बांट नहीं करते जमीन का, फसल में जो आएगा उसमें क्या कहते हैं अपना व्यवस्था देख लेंगे, बना के व्यवस्था देख लेंगे जैसी भी बात होगी, ठीक है? अब दूसरी बात, अच्छा मुझे एक बात बता, तू ट्रैक्टर लेगा या घर लेगा? मैं, मेरे को तो ये ट्रैक्टर दे दिया, ट्रैक्टर तो अपने काम धंधे करेगा। ट्रैक्टर तेरा? हाँ, घर में नहीं रहेगा अब तू, गियर पे व्यवस्था बनाओ। हाँ तो गियर पे व्यवस्था बना लूंगा, लेकिन हिस्सा तो मेरे वहां आ रहा, घर में आएगा जब आएगा, क्या जब क्या कहते हैं ट्रैक्टर भी आधा आधा होगा, फिर बाद में ट्रैक्टर साझे की चीज मैं किस्त दूंगा, फिर किस्त भी अभी आधी आधी जाएगी। हाँ है ना, तो किस्त भी जब होगी, जब फसल होगी, फसल कटेगी, आधी तू भरी आधी मैं भरूंगा, तो ठीक है, आधी रही बढ़िया रही, ठीक है? तो ऐसा है, अब तू, अब ऐसा सुनो, तू जाइयो अपनी बहू के पास। अच्छा, अब तू ये बता मुझे कि तू ऊपर की फसल लेगा या नीचे की फसल लेगा? जे जाना तो तुम अपने हिसाब से देख लो भाई। नहीं तू बता भाई, देख कल को मुझसे कोई ना कहे नाजायज बात हो रही है, तू बता अपने मन की दृष्टि से। देखो एक काम करो, दोनों में तो दोनों पहले बेग बाग के आधी आधी कर लेंगे। नहीं नहीं आधी नहीं बेटा, ऐसा है आधी फसल ऐसा ना दे सकता मैं, अगर आधी दे दूंगा तो मामला डिस्टर्बेंस होगा। अभी मान लो दो चार किलो तुम पे फालतू पहुंच गए, दो चार किलो ऐसे दो चार किलो तो ना ना, तू मुझे ये बता दे ऊपर की फसल दे दूं या तुझे नीचे की दे दूं? अगर तुझे ऊपर की चाहिए तो ऊपर ऊपर का माल तेरा, और नीचे की चाहिए तो नीचे नीचे का माल तेरा। अब तू बता दोनों में से क्या लेगा? तुम मेरे को एक काम करिए, ऊपर की दे दियो। ठीक है, तो ठीक है, देख ले रहा हूँ मैं, फिर बीज ले आ रहा हूँ, कुछ बो दूंगा, ऊपर की फसल तू ले ली। चल ठीक है, सुन लागत आधी आधी है, तू मुझे आधी लागत के पैसे दे जा, मैं कल बीज ले आ रहा हूँ। हाँ तो मैं घर पहुँचा दूंगा, ऊपर ऊपर की फसल है तेरी, ध्यान रखियो। ठीक है, ठीक।
भगवान चंपो चंपो, ये कहां से नाम रख लिया कि चंपो और चंपा? तू गीत बजाती है, गीत वाली कहती तुझसे चंपा चंपू, तो मैंने कहा मैं भी क्या कह दूंगा। गीत बजाती नहीं हूँ, गाती हूँ। वही गीत बजाना गाना मुझे क्या मालूम, मैं कौन सा ऑर्केस्ट्रा में लगाऊं, तो मुझसे पूछ रही है तू। मुझे ये बता, अब मैंने एक बात रख दी है उसके आगे। किसके आगे? लल्ला के आगे। हाँ लल्ला, मुन्ना। अच्छा मुन्ना है, नाम तो मुन्ना, जो अम्मा रख गई वही मैं कहता हूँ। हाँ, उसका नामकरण ही नहीं हुआ, उसका कथा थोड़ी कराई थी हमने, ऐसी मुंह से रख लिया था नाम। अच्छा तुम्हारा भी नहीं रखा? मेरा तो रखा था, मेरे पास कथा नहीं कराई थी। ये लेडीजों वाले बाल कैसे लग रहे तुम्हारी मूंछ में? कहाँ से? दूसरी लुगाई है मेरे पास, इतनी खूबसूरत शक्ल नहीं है लुगाई है मुझ पर, उसका क्या करने घर कर लो, मुझे कोई भैंस की पूंछ का बाल है ये। अच्छा भैंस काट रहा था, लात मारने की कोशिश करी, लात से बचाऊं तो पूछ मारी मुंह पे, पट दे दी ना तो बाल अटक गया। भैंस भी शक्ल नहीं अच्छी लगती। अब एक भैंस मेरे संग तो कैसे शक्ल अच्छी लग जाएगी। अब कुल मिला के बात ऐसी है कि बोली है मुन्ना, मुन्ना से मैंने यूँ कही है कि ऊपर की फसल लेगा अगर नीचे की। हाँ तो उसने कही ऊपर की फसल लूंगा। अब सुन, लागत के पैसे आधे देगा, बंटवारे में से अब मैंने एक हिसाब कर दिया, घर हो गया हमारा, यहाँ नहीं रहेंगे अब। फिर ट्रैक्टर उनका, और ट्रैक्टर सुन ट्रैक्टर भी जब तक है उनका, वो समझ नहीं पाता मेरी बात, मैं बहुत टेढ़ी खीर मारता हूँ। ट्रैक्टर भी जब तक है उनका, जब तक किस्त पूरी नहीं हो रही, जिस दिन किस्त पूरी हुई ट्रैक्टर बेच के आधा तू ले आधा मैं लूँगा पैसा, वो वक्त बताएगा। अभी दो साल तो कोई मतलब ही नहीं है, किस्त पूरी होने में दो साल की रह गई अभी बकाया। हाँ चलो सही है। अब मैंने उसके आगे ये बात रख दी, अब खाद और बीज के आधे पैसे वो दिख जाएगा। अब सुन, मैं बोऊँगा आलू खेत में, तो घास घास उसकी, आलू आलू हमारे है। कितनी बढ़िया बात है कि नहीं, खोपड़ी शैतानी। लेकिन एक बात बताओ, ये तो चालाकी वाली बात हो गई। और क्या, अपने भैया के संग धोखा कर रहे हो? और क्या। अब तू सुन, अब तू जाइयो उसके घर, घेर पर सामान शिफ्ट कर रहा है, वहीं पहुंच जाइयो, उससे हो गई हो कि तुम्हारे भैया जा रहे हैं बीज लेने, 20,000 रुपये दे दो, 40,000 का माल लगेगा दोनों खेतों में मिला के, तो 20,000 उस पैसे ले के और तू लिया, बाकी बात में मुझे दे दियो, मैं खेत में आलू बो दूंगा उसी के पैसों से। ठीक है ठीक है, लेकिन पूरा सब कुछ देखो जी, जी जितनी भी ये फसल वगैरह हो रही है इसके एक काम करूँ, एक काम ना कर लूँ तुझे जान से मार के तेरे नाम की पेम्पलेट लगवा देता हूँ घर के आगे, स्वर्गवासी है चंपा देवी। क्या बकवास कर रहे हो, तेरा ही हो जाएगा ना फिर। अरे वो बात नहीं कह रही हूँ, तो क्या बात कह रही हूँ, ये सब कुछ मेरा, वो वक्त बताएगा, ऐसे वक्त बताएगा। अरे रागनी रागनी, हाँ कहाँ रह गई तू? कुछ नहीं, घर का काम कर रही थी। अच्छा मैं नौकरों में भैया से बात कर ली है, ठीक है। बात क्या कर ली? मैंने जो है ट्रैक्टर ले लो है इस समय। एक ट्रैक्टर ही दिखाई दिया इस समय? ऐसा है, अभी तो वो नौकर रहे थे, वही ट्रैक्टर की भी अभी आधी किस्त बनी है, तो आधी भी अगर भरी ना गई है, और उन्हें अगर जो चीज़ होते अगर बाकी तो मैंने कही थी वो आपकी एक बार की फसल रहेगी अंदर से बाकी हाथ में पूरा पूरा हिस्सा जाओ हमारा। ट्रैक्टर में रहोगे? ट्रैक्टर में तुम खाना बनाओगे? हमारा काम में जाओ, और जो हम अपने जो और मैं घर जो उन्हें ले लो है, अपने यहाँ रह करेंगे हम। एक जहाँ पे कहाँ पे रह करेंगे बापे? है का घर तो उन्हें ले लो है, हमने ले लो घेर, तो अपने घेर पे जो है अपना घेर पे बनाएंगे मकान भकान। अभी तो फिलहाल झोपड़ी डाल के रह लेंगे, बाकी बाद में जो है अपना मकान बनाएंगे, जब हिस्सा जाओ तो पैसा जाओ सही। क्यों जब जब फ्रेश रहने जाती हो तो कहाँ जाओगे? ले ली घेर, बोतल लेके तुम ही जाओ, लोटा लेके बोतल लेके जब मेरे को भेजोगे, मेरे पे नहीं आती है वहाँ पे करना। अच्छा तुम ही करी हो, तुमने लई है, मैं तो फिर एक काम करी हो, जो घेर के सामने मकान ना है चाचा को जो है, हाँ किराए पर आएंगे, किराए पे ना उनसे मैं उनसे बात कर लूंगा महीना भर के लिए, तो माँ लाइटिंग करी है उनके घर पे। तुम्ही चले जाना दूसरे के मकान में, दूसरे के मकान में भेज रहे हो? सही कह रहा हूँ मैं, हाँ के लिए भैया गुजारा तो करना पड़ता है। जो बात है ट्रैक्टर की बात है भाई सुन, तो ट्रैक्टर जो है मैं अपनी टाल पे लगा दूंगा, 25-30 हज़ार रुपये जो है अपने महीना के आगे रहेंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं जो है टीन टप्पर था जो डाल डुल के काम कर लेंगे अभी फिलहाल, तो और जो जो फसल है वो बाकी आधा तो मिलोगे। भैया की बातों में रहना, भैया तुम्हें एक नंबर का बेवकूफ बना रहे हो, तुम बनते जा रहे हो भैया की बातों में। ऐसा भैया ना कर सके, कोई ऐसा बड़ा भैया छोटे भैया के संग गद्दारी करता है? छोटा कर सके बड़े के संग जी ध्यान रखियो हमेशा। अच्छा हाँ तो देख लेना अपने भैया की, आखिर में तुम भी यही हो मैं भी यही हूँ, पता चल जाएगी क्या कर रहे हो।
हाँ अब ये बताओ और किस 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 में हिस्सा हुआ है? और हैगा जो है? जो हैगा वो हैगा ही फसल वामे में आधी आधी की क्या दी? फसल कैसे ली है? आधी आधी। उसमें कैसे क्या है? आधे पैसे मैं दूंगा, बीज के आधे वो देंगे। बीज के जो बीज भाई फसल करेंगे बीज ना डालेंगे। फसल कैसे लोगे, नीचे की कि ऊपर की? मतलब मैंने लिया ऊपर की फसल। अच्छा ऊपर की ली है, तो उसमें भी तुम्हें बेवकूफ बना दिया। तो फसल भी हमारी आधी आधी कुल मिला के, ठीक है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं। और आधी आधी लागत है हमारी। अब एक काम करेगा वो, मैंने उनसे कह दिया तो अपने कपड़े लत्ते इकट्ठे कर ले और चले गए और खाना पीना बना लो ना। कचू कैसे बंटवारा किया है समझ में नहीं। अरे मेरे समझ आ गई, चल तू। अरे चलो। हाँ चल। अरे देवर जी, देवर जी। अरे राम राम भाभी। राम राम। का है वो? खाद बीज लेने जा रही हूँ, पैसे दे दो। खाद बीज फसल बोने के लिए। तो कितने की आ रही है, कितने की बीज आ रहे हैं? दे दो 30-40 हजार रुपए हो तो। 30-40 हजार? हाँ। 30-40 का है? 30-40 हजार रुपए भाभी जा बगत। तो जितने हो उतने तो दे ही दो। तो फसल भी तो बताओ, बीज भी तो बताओ, पर नीचे कितने के आ रहे हैं? अरे दे दो 20-25 हो तो। 20 हजार मामे रुपए? 20 दे दो, ला दो। ठीक है, वो तो मैं भैया से हिसाब ले लूंगा। अरे हाँ ले लियो भैया से हिसाब, ले क्या जल्दी लो। 20 हजार मैंने वो है ट्रैक्टर की कमाई जाएगा, ये एक महीना के एडवांस ले रखे। हाँ तो फसल के वो क्या कहते हैं आएंगे तो वो उस पर तुम्हारा फायदा ना है। हाँ तो वो तो अरे भाई से कह दे करो ना, कमी बोला करे वो। अरे मेरी बीवी कमी बोलता, ठीक है मैं इन बारे में मुँह बात ना करनी तुमसे, भैया से बात करूँगा। एक रात भी पढ़ा दिए तोते की तरह। अरे कहाँ पे हो जी? आ रहा हूँ अभी, पखाने में बैठा हूँ। ये आदमी पे बस यही काम रहता है ना। बता क्या कह रही थी? ये लो, हाथ तो धो लेते पहले, लक्ष्मी को ऐसे गंदे हाथों से छू रहे हो। लक्ष्मी तो लक्ष्मी है, जा गंदे से छूओ, जा हाथ से हम तो तुझे छू दे। ये वो क्या कहते हैं 20 हजार रुपए ही है। हाँ तो फिर तुम्हारे भैया ने दिए। चल तू को भी तो काम। कहाँ रख रहे हो? जिम में। 10 हजार रुपए मुझे दो, लाओ मैं अपने लिए वो बनवा के लाऊंगी सोने की चैन। गला तो तुझ पे है नहीं है? हाँ? गला? हाँ, गर्दन तो तेरी है ही नहीं। गर्दन है तो है ये। खाए गर्दन मोटापे की वजह से सब तब गई है, यो हो गई है। चुप रहो। चूरन की चटनी मत चटा, 10 हजार मैंने लूटे हैं पैसे, तुमने मुझ पे लुटवाए कायदे में, उसे हमारा हक नहीं बनता है लेने का। डके तो पुराने, इसलिए तुम लटवा रहे हो। बता भैया के सगे ना हो रहे, बताओ कैसा खून है। तुझे कैसे लगता है जब मैं अपने भैया का सगा नहीं, तो तुझे कैसे लगता है तुझे 10 हजार रुपए दे दूंगा मैं? लेके तो बेटा मैं ही आई हूँ। फिर तो ला मुझे, मैं वापसी करी मैं चबन नहीं दूंगा। हाँ मैंने चाहिए बंटवारा, वहाँ में कुछ नहीं ला, वापसी करो। चलो तो उससे बात करियो, इसमें से मैं चलता हूँ। यानी कि हमारे हाथों की लूट और हमें ही न मिली। अरे सुनते हो, अरे कहाँ गए? एक तो निकल वेट नहीं आते, इतनी आवाज लगा। अरे कहाँ है वो? अरे मैं ये कह रही थी वहाँ पे पैसा रखे थे, तो पैसे कहाँ गए? मैं वो तो बताई नहीं। क्या बताई? अरे वो मैंने अगवा बीज के लिए दे दे। बीज के लिए? हाँ बीज के लिए दिए मैंने। पूरे पैसे दे दिए? 20 पूरे पैसे दे दिए मैंने। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, कभी दिमाग ते चलते हो कि नहीं? अरे पागल है, जो होता है बीज तो बीज के लिए तो फिर भी देने पड़ते। अरे तो 20 हजार दोगे? 40 हजार भागो आ रहा हूँ बीज। तुम्हें कौन कह रहा है? 40 हजार का आ रही है, तुमने पूछ ली? हाँ भाई बता के कहीं। अच्छा उन्ना बता दी तो तुमने मान ली है? एक बार तुम भी तो रेट लेके आते बाहर जाके। तो वो भैया तो पूछ लूंगा मैं। बता भैया की तरफ भी जा रहा हूँ मैं, इतनी देर में तू आ गई मेरे पास। तो बता रहे हैं सच, तुम्हें पूछ लियो, जाओ चले जाओ। पूछ भैया। भैया भैया सारी तीर्थ राम 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 राम। और क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? मैं रोटी खा रहा था, रोटी पकाने आ गया, फिर रोटी खाने लग गया। अच्छा अच्छा मैं बाकी कह रहा हूँ फसल को। फसल का? हाँ खड़ी तो तैयार। तो फिर क्या, तू अपना कुछ वाहन कर ले। ट्रैक्टर ही लेके आऊंगा, तू परसों आ जाइयो खेत पे, कटी रेडी मिलेगी, उठा अपने सामान में ट्रैक्टर में रखो, अपने चले आइयो। चलो ठीक है, तो फिर ऐसा कर लूंगा। ठीक है जाओ। भाभी भाभी राम राम भाई। हाँ राम। नौकर हूँ भैया, कहाँ है वो? यहाँ ना, वो तो अपनी फसल बेचने गए। फसल बेचने गए? हाँ। कहाँ पे?
मंडी में और कहाँ। अच्छी है और क्या, तो फसल के लिए आना होगा तो मैं पूछ रहा हूँ। तुम्हारी फसल पड़ी है उसे उठा लो, बादल बादल हो रहा है, वैसे भी बारिश बारिश आ गई तो बेकार हो जाएगी। कहाँ पड़ी है, खेतन पे? हाँ, खेत में पड़ी है, उठा लो जाओ, तुम्हारे हिस्से का जो रह गया जाओ। अच्छा तो फिर देखते हो, ट्रैक्टर लेके जाऊंगा फिर। ठीक है तो। अरे रागनी, रागनी। हाँ। अरे मैं बाकी कह रहा हूँ, वो कट्टा वगैरह ले दी है, वो ले जा रहा हूँ फसल अपनी। फसल? हाँ है गई वो फसल। अच्छा हाँ। और उनकी बड़े भैया की? बड़े भैया की उनकी भी है गई, वो तो मंडी भी ले गए। अजय पूछ रहा हूँ मैं, चल कट्टा भट्टा का वो तो ट्रैक्टर में ही पड़ा होगा। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, कहा कहते हैं फसल नहीं लेके आऊँ फिर मंडी ले जाऊँ सीधे? अरे फसल यहाँ लेके आई हूँ सीधे, जहाँ का करवाएगी तो ये बता फसल को आएगा वो मंडी में बिक जाएगी, आज क्या देगा पैसा ले आऊंगा मैं बेच के। अरे तुम्हारी इच्छा है, तुम तो कोई बात मानते नहीं हो मेरी, हो ना मानते आए हो कभी। तो पहले एक काम करो, फिर मैं पहले मंडी में फसल बेच बाद में आऊंगा। कुछ भी करो ठीक है, जाओ। अरे भैया, भैया राम राम। मैं बाकी कह रहा हूँ फसल कहाँ गई? फसल मही तो पड़ी है। कहाँ पड़ी है? महीना पड़ी फसल। कहाँ पड़ी है? खेत में। खेत में? खेत में कौन सी फसल पड़ी है? वो तो पड़ी है, वो आल उनकी आल है। हाँ तो बोई है बेटा फसल, तुम्हारी तो बोई है, मैं अपनी बेके आया। मतलब? मतलब ये कि तूने हमारे तेरे बीच में क्या बात हुई थी? हमारे तुम्हारे बीच में ये बात हुई, ऊपर ऊपर की मेरी होगी, नीचे की तुम्हारी होगी। ऊपर तेरा नीचे मेरा। अच्छा तो अब बता, नीचे का जो आलू था वो मेरा हो गया। अच्छा। मैं उसे अपना बेके आया, अब ऊपर की आल तेरी है, तू जाने तेरा काम जाने। मतलब जाको मतलब ऊपर की आल आल लूंगा मैं और क्या, ये तो बात पहले फिक्स हो गई थी ना। नहीं भैया ये तो देखो धोखेबाजी है, इसमें कोई धोखेबाजी नहीं है, बकवास की बात नहीं चाहिए मुझे। हाँ मैंने तुझसे कही थी कि तूने अपने आप खुद की मर्जी से। हाँ मैंने अपनी मर्जी से कही थी, मालूम तू उसमें आग लगा दे तो मुझे क्या करना, तो मुझे क्या करना। अब मैं सोच, अब सुन नई फसल बोने जा रहा हूँ, बता लो वही वाली साहब। अब तू बता, अब मैं नई फसल फिर बोने जा रहा हूँ, अब अगर नीचे की लेगा ऊपर की? अरे मैं पहले ऊपर की नीचे की का देखूंगा, पहले अपनी जा फसल की तो देख देना। भैया तू देख तेरा काम नहीं रहा। देखो ये अच्छी बात रहा तो भाई है ये मुखिया साहब से कह दूंगा अपने, ऐसे करना पड़ेगा। अरे रागनी, रागनी। हाँ। अरे भैया ने तो यार हमारे संग आपकी धोखेबाजी कर दी। क्यों क्या हो गया? अरे उनने जब मैं तय हुई खाई तो मेरी जो ऊपर नीचे की फसल तय हुई, कब ऊपर की मेरी होगी नीचे की उनकी होगी। हाँ तो क्या हो गया? अब जी आएगा देखो, उनने करी आलू ठीक है। आलू? हाँ आलू तो जमीन में होते हैं, ऊपर होता है आल, बाकी जो हरे हरे पत्ता आते हैं। हाँ तो अच्छी बात है। अब उनने मेरे संग धोखेबाजी कर दिया, वो नौकर है मेरे पास, चुना है भग जाते हैं। हाँ तो उनने तो अपना दिमाग चला दिया है, जानते हैं कि आलू नीचे होते हैं तो वो आलू मेरे हो जाएंगे, जो उसकी वो ऊपर की घास होगी वो तुम्हारी होगी। तो अच्छी बात है, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था ना। मैंने तो पहले ही बोला था ना तुमसे, नहीं मेरे भैया ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है सबकी। भैया आप तो अपा तो बढ़िया ना हो भैया, भैया को कहे को सगो ना हो तो अब क्या करेंगे, अब ये बताओ। देखते हैं, घर में लुटवा तो दिया तुमने, काम में जाके व्यवस्था कर रहा हूँ। घर में पैसे थे वो भी तुमने दे दिए भैया को। उनसे बात कर रहा हूँ, मुखिया साहब तो हो जाए तो ठीक है, देखते हैं और क्या करो यार, हम अपनी झोपड़ी में रहेंगे तो यही करेंगे। मुन्ना, लल्ला मुन्ना। अरे राम राम भैया, अब कैसे आना हुआ? वो जो कह रहा हूँ मैं, वो छह महीने रह गए फसल की। अच्छा छह महीने की और बात है, अब बता नई फसल के बीज लेने जा रहा हूँ, ऊपर की फसल लेगा नीचे की फसल? भैया मैं आपके तो है नीचे की लंगू, तो ना एक बार में पागल होना। तो सोच ले। हाँ सोच ले, मैंने एक बिठा ले, लुगाई से पूछिए अपनी से, बात है का पूछूंगो ना। पूछिए भैया, करने धन्य वाला मैं। सोच ले और। हाँ सोच ले, आपके मैं नीचे की फसल है तेरी, पागल तुमने पहले बना दूंगा। 20,000 रुपये दे देना खाद को। 20,000? हाँ चलो तो रुक जाओ, खाद और बीज के लिए 20,000 दे दे। लो भैया, भैया और थोक बाजार ले। अब मैं पूछ लीजिएगा, पहले गलती से ले ली वो तो आपके, तो नीचे की ले रहा हूँ। अब ध्यान रखियो, नीचे की फसल तेरी और ऊपर की हमारी। ठीक ठीक चल ठीक है रामा। चंपा, चंपू तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। मैं अब की बार नई फसल बो रहा हूँ, उसी अच्छा? के पैसे आए खाद बीज के, मुन्ना पैसे। अच्छा जी, वो फसल बेचारे ने उसे तो अब जो पहली फसल का तो कुछ बेचारे को मिला ही नहीं था, तो इसका भी नहीं मिलेगा है?
वैसे अपने भैया के संग कर रहे हो, थोड़ा तू उसकी मदद कर दे, तुझे दुख हो रहा है तो ऐसा कर उसके घर चली जा, वहीं पे खाइयो पियो, जा निकल जा। अरे दांत क्या दिखा रही है? अरे दांत नहीं दिखा रही, तेरा इतना ही कलेजा फट रहा है तो सीना चीर के हनुमान जी बन जा, पर हमें अकल मत दे। अरे मैं तो इसलिए कह रही हूँ, तुम्हारा खून का रिश्ता है। तू किसके लिए भी मत कह, तू इसलिए भी मत कह, किसके लिए भी मत कह, मेरी बात सुन। जब क्या मैं यो कह रहा हूँ कि जब तेरा इतना ही कलेजा फट रहा है तो तू ही बन जा उनके लिए, उसके लिए क्या कहते हैं वो, हनुमान जी। ऐसा हनुमान जी वाली बात नहीं है, लाओ ये पैसे मुझे दे दो, मैं रख लूंगी। जमाना बड़ा खराब चल रहा है, तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ जमाना बड़ा खराब चल रहा है, फालतू में तेरी जान पे आ गई, कोई मोहल्ले को पता लग गई कि तुझ पे इतना पैसा, तो तेरी गर्दन काट के, जो है नहीं है गर्दन काट के, क्या कहते हैं बेचारा, क्यों नहीं है मेरी गर्दन भाई, भांसी पर चढ़ गया, फालतू में तेरे लिए दुखदाई, मेरे लिए दुखदाई, मेरी गर्दन ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपके तो तुमने वो क्या कहते हैं फसल लेके वो काट दिया आलू, आलू से अब कैसे काटोगे? अब के उसने जो है नीचे की फसल मांगी है, ऊपर की हमारी है अब की बार, उसने सही करा नीचे की फसल मांगी है तो। हाँ तो अच्छी बात है ना, अब वो तुम्हारा भी बाप निकला देख लो। बाप नहीं निकला, ऐसा घर से रख के काटूंगा 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 कि दोबारा होश में नहीं आएगा। भैया है तुम्हारा बेवकूफ आदमी, बताओ भैया का सगा नहीं है, मैं ही क्यों इसके खानदान में सगी बनूं। रागनी रागनी। हाँ। अरे मैं नौकर हूँ, भैया को 20 को पैसा दे दे। पैसा दे दिए? हाँ। अब क्यों दे दिए? अरे वो मैंने एका बाप के एका नीचे की फसल मांगी, जा मारे दिए आपके, मेरा अपने दिमाग से दिए नीचे की फसल। पहले उनने मेरे संग घाटो कर दो ना, आपके आपके कैसे कर जाएंगे घाटो? तो मैं नहीं पता, तुम्हारे भैया बहुत काइयां हैं, वो इधर की उधर घुमाते रहते हैं। ऐसा कैसे कर लेंगे, आपके मैं नीचे की फसल मांगी है। तुम्हें मेरी बात का कभी विश्वास नहीं होता है। हाँ, मेरे, हाँ। मेरे बताने को भरजे तो बता दी मैंने। अच्छा। खाने पीना होना होना होना, वो भी क्यों बताई, वो भी अपने हद तक सीमित रखते, जब लूट लेते ना, जब आ जाते मेरे पास बताने। ना लूट रहे आपके? हाँ, तो पता चल जाएगी। कचु बना ना होना। हाँ। मैंने मैंने वो गोभी आलू बनाई है बस। चल तो चल, खिला दे आज, खिला दे। अरे भाभी भाभी राम राम भाभी। अरे नौकर हूँ, भैया कहाँ है? वो ना भैया तुम्हारे वहाँ गए मंडी। मंडी और क्या, काई को? फसल बेचने गए अपनी। फसल बेचने गए और क्या? अब मैं मेरी फसल को कहा, वो तो खड़ी है, तुमने वो नीचे की तो मांगी थी। हाँ तो बिल्कुल ऐसी की ऐसी है, बिल्कुल ले आ जाओ और क्या। ठीक है, अपना देख लो अपना। ठीक है ठीक है ठीक है। रागनी रागनी। हाँ। अरे मैं अभी उनके घर गया तो फसल तो है गई है। हाँ। तो काम कर, चल भैया के पास चल रहे, फसल की फसल देख भी अपनी। ठीक है, आ जा। अरे देखिए, हम तो गेहूं क्या है, हम गेहूं तो ऊपर ऊपर तक कटी गए। वो ही तो देख रही हो तुम, देखो ना ये क्या है, इसमें कुछ है भी है। अरे जे भजन से बात करूंगा मैं। तुम नहीं बात करोगे, अब मैं चल रही हूँ साथ में। अरे भैया भैया, अरे का हुआ? खाएगा फसल का, खड़ी तो है। कहाँ खड़ी है? खेतन में। वहाँ गेहूं तो ऊपर तक कटी गए हैं। फसल है वो, भूसा है पूरा। तू मत बोले मुझसे। मैं क्यों बोलूं? लुवाई लुवाई के साथ अच्छी लगती है। मेरे सामने फालतू बात करने की जरूरत नहीं। देवर जी, जब एक बात बताओ, जब तुम्हें फैसला करना आता है करना, तो अपनी लुवाई को सिखा दो। मदद सिखाने की क्या बात है, जब नहीं आएगा इन नंबर पहले पागल बना दे से घर का। अरे पहले ये जब सामने तू पहले पेटी कोट चूड़ी। हां वो सही है, मैं ना बोलूं, तुम दोनों जाने लूट लूट के ले जाओ घर है। लूट के ले जाओ बढ़िया है। तेरा आदमी जब ये जब साझे रह रहे तब भी ऐसी सास की तरह लड़ती है। अच्छा सही किया मैंने, देख ले शर्म शर्म कर ले। फसल का ये बता भाई, जगह मुझे हमारी तो नहीं दे रहा, अच्छा ना लगा देखा। चुप, तुम्हारी फसल खेत में खड़ी है, सुन तूने क्या मांगा था? मैंने कहा नीचे की मांग है। तो तेरे को नीचे की मिली कि नहीं मिली? कहा नीचे ही नीचे की मट्टी लूंगा। मट्टी नहीं बेटा, वो भूसे भर जाए, एक एक ठूंठ खड़ी है, उसको काटो अपने घर ले जाओ। गेहूं तो ऊपर की वो हमने ले ली। जे तो भैया देखो, कोई बात ना हुई, जो तुम ऐगा जैसा कर रहे हो वैसे तुम भुगतोगे, ऐगा कहीं ना कहीं लिख रहे हो तुम्हारा पैसा। मेरे क्या कहते हैं उसमें, पामों में दर्द हो रहा है और ना ये रीढ़ की हड्डी। अबे चलो तुम सेवा करने लायक हो, इन्हें की सेवा करो। पहले मेरी बात सुन लो ऐगा है मालिक। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो पहले ऐगा। मैं फसल दो, मैं काय की फसल ऐसे देख लो, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी हमारी बिगड़ जाएगी। बिगड़ जाओ, मैं तुम्हारे नाम समझियो, ध्यान रखिए। मैं भैया तुम्हारी तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम्हारे कहीं ना कहीं लिख रहे हो पैसे ऐसे। पधारो पैसा पधार।
वैसे एक बात बताओ, सही कह के गया वो तुमसे, क्योंकि तुम हराम का पैसा कहीं ना कहीं निकलता है। भगवान करे वो तेरे साथ कोई बीमारी बने, तुझे बढ़िया कोड़ वोड़ बने जो मेरा पैसा ये खर्च हो। ले लगाऊंगी तेरे तेल, हराम खोर, हमारे कोड़ चुचवा रहा, अभी तेल लगवा रहा है।